मध्य प्रदेश में पिछले 3 से 4 दिनों से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। इससे राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राजधानी भोपाल समेत जबलपुर, पुनासा, ओंकारेश्वर सहित कई बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं और निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इसमें उज्जैन, इंदौर, जबलपुर और शहडोल संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वीएस यादव ने बताया कि आज 4 सितंबर को झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, ढिंडोरी, सिवनी और बालाघाट जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां 64.5 मिलीमीटर से 115.5 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन सहित 49 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तूफान की भी संभावना है, जबकि कुछ जिलों में गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वर्तमान में ये जो लो प्रेशर सिस्टम था वेदर के ऊपर आ गया है और ड्रफ्ट लाइन है जैसलमेर, बाड़मेर होती हुई आ रही है लोहो तक और चाहिए। इसके अलावा कोई सिस्टम ना होने के कारण ज़्यादा नहीं है। अगले 24 घंटों के दौरान जो उम्मीद की जा रही है हल्की फुल्की बारिश के 5 जिले हैं, यहाँ पे हैवी रेनफॉल का अलर्ट किया गया है। मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और पूरी मध्य प्रदेश में सिवनी, बालाघाट और डिंडोरी। इस हिसाब से आगे जो वर्षा की गति हुई कमी आएगी और छिटपुट बारिश होती रहेगी लगभग प्रदेश में और लगभग अगले 3 दिन तक मौसम इसी प्रकार से बना रहेगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश धार जिले के गंदवानी में 160 मिलीमीटर और अलीराजपुर के जोबट में 123.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं झाबुआ शहर में 111 मिलीमीटर, खंडवा के खलवा में 67 मिलीमीटर और बड़वानी के अंजड़ में 62 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि कहीं कहीं धूप भी निकली। फिलहाल मॉनसून की ट्रफ लाइन जैसलमेर, उदयपुर, विदर्भ होते हुए बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लोकल टीम के लिए खरगोन से दीपक पांडे की रिपोर्ट।